अपने दो दिवसीय दुबई दौरे से लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पोंटा साहिब के पुरावाला में सिरमौरी हाट का शिलान्यास किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनका दो दिवसीय दुबई दौरे का मकसद निवेशकों को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता देना था, ताकि प्रदेश में निवेशक आए और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना पूरी हो सके। मेरा जाने का मकसद दो दिन का निवेशकों को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता देना था, ताकि निवेशक आए और जो हमने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में जो परिकल्पना की है आने वाले 2027 तक, उस परिकल्पना को पूर्ण करें, इस दृष्टि से मैं दुबई गया था। और मुझे खुशी है कि जो हमारे निवेशक है वो जनवरी महीने में हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, और मैंने उनको कहा है कि आप टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादा निवेश कीजिए, हाइड्रो सेक्टर में ज़्यादा निवेश कीजिए, ग्रीन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा चाहते हम निवेश करना, क्योंकि हम प्रदेश के पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में निवेशक वहाँ निवेश करेंगे। वही 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सिरमौरी हाट के शिलान्यास को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौरी हाट को बनाने का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाना है। हाट का शिलान्यास करने का मकसद हमारा इसको महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, और इस दृष्टि से हमने सिरमौरी हाट का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा पुरावाला में बनाया जा रहा सिरमौरी हाट पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होगा। यहाँ महिलाओं द्वारा जहाँ पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार के पहाड़ी व्यंजन बनाए जाएंगे, वहीं यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।